हेलो एवरीवन आई एम आस्था वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 का एक और न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट पर भर्ती की जानी है सो इसमें जो पोस्ट रहेंगी वो ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएट लेवल की हैं अगर आपने ऑलरी ट्वेल्थ पास किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने ट्वेल्थ के साथ में आई आई किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही कंडीशन में ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं आपने किसी भी डिसिप्लिन में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वेरियस पोस्ट है तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी पोस्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है पोस्ट वैकेंसीज भी हंड्रेड प्लस वैकेंसीज हैं ऑल इंडिया जॉब है ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन इन्वाइट किए जा रहे हैं मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल नो फीस फॉर एससी कैंडिडेट एस टी कैंडिडेट पीडब्ल्यू डी एंड फीमेल कैंडिडेट और एक्स कैंडिडेट को भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होगी तो अब अगर आप आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप इसकी ऑफिशियल साइट पर भी विजिट कर सकते हैं तो चलिए अभी हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं ये जो वैकेंसी है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर से आई हुई है एनआईटी दुर्गापुर सो so, पर आप देखेंगे पोस्ट इसमें जो पोस्ट है नेम ऑफ पोस्ट पे लेवल एंड स्पेशलाइजेशन यहाँ पर डिटेल में दिया गया है टोटल वैकेंसी 22 टू है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अब इसमें केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर सेंटर मैनेजमेंट स्टडीज मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में यहाँ पर वैकेंसी है नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सीनियर टेक्नीसियन की लेवल फोर से सैलरी रहेगी इसमें टोटल वैकेंसी ट्वेल्व हैं जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सो आप यहाँ पर देख लीजिएगा नेक्स्ट जो पोस्ट रहेगी टेक्नीशियन की रहेगी और इसमें टोटल 25 वैकेंसी हैं यहाँ पर भी अलग अलग डिसिप्लिन आप देख रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स सभी में है इसके अलावा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए है जिसमें एक पोस्ट रहेगी लेवल सिक्स से सैलरी रहेगी नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए लेवल सिक्स से सैलरी रहेगी टोटल दो पोस्ट हैं इसमें एस और ओबीसी के लिए एस एस असिस्टेंट के लिए चार एक वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट के लिए चार वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक स्टेनोग्राफर के लिए एक वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट के लिए छह वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट के लिए चौदह लेव अटेंडेंट के लिए बारह वैकेंसी और ऑफिस अटेंडेंट के लिए फाइव वैकेंसी है ओवरऑल इसमें एक सौ छह समथिंग टोटल वैकेंसीज हैं सो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सिक्स अप्रैल छह अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं उनतीस अप्रैल तक आप इसमें शाम को पांच बजे तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है एनआईटी दुर्गापुर की ऑफिसर साइट से आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे अपर एज लिमिट पोस्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है 27, 30, 33 थर्टी अपर एज लिमिट रखी गई है और ये जो एज है वो कट ऑफ डेट रहेगी इसकी लास्ट डेट यानी 29 अप्रैल 2022 टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगर आपने फर्स्ट क्लास में आपने बी बी टेक एम किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं या आपने मास्टर डिग्री ली हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेड्स यहाँ पर दिए गए हैं जिस भी ट्रेड्स में आप अप्लाई करते हैं उसी ट्रेड से आपका ये कंप्लीट हो सीनियर टेक्नीशियन के लिए ट्वेल्थ पास कैंडिडेट अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिक्सटी परसेंट मार्क्स से अगर आपने पास आउट किया है या सीनियर सेकेंडरी यानी ट्वेल्थ आप पास हैं फिफ्टी परसेंट मार्क्स से लेकिन साथ में आपका आईटीआई कोर्स है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा सेकेंडरी टेंथ uh, अगर आपने सिक्सटी से किया हुआ है और आई आई सर्टिफिकेट है टू ईयर का तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सो so, uh, काफी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं ट्वेल्थ uh, के साथ में आई के साथ में डिप्लोमा अगर आपने किया है टेक्नीशियन के लिए भी ट्वेल्थ के साथ यही रिक्वायरमेंट रखी गई है साइंस से सेम अभी जो हमने डिस्कस किया और डिसिप्लिन आप यहाँ पर देख रहे हैं जिससे भी आपने ट्रेड से आपने किया हुआ हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए आपने बैचलर डिग्री अगर साइंस आर्ट कॉमर्स किसी में भी किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड आपने बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसेंसल क्वालिफिकेशन हम देखेंगे डिजायरबल में भी रखी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजीटीसीए। जूनियर इंजीनियर के लिए आपने बी बी होना चाहिए एस एस जो असिस्टेंट है उसके लिए आपने फिजिकल एजुकेशन में डिग्री बैचलर डिग्री ली हुई हो सुप्रिटेंडेंट के लिए आपने बैचलर डिग्री ली हुई हो तो अप्लाई कर सकेंगे पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपने किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री ली है अपर एज लिमिट आप देखना है सभी पोस्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट दी गई है स्टेनोग्राफर के लिए सत्ताइस साल अपर एज लिमिट है इसमें ओनली ट्वेल्थ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे लेकिन स्टेनोग्राफर की पोस्ट है सो वर्ड एक्टिवर्ड इन स्टेनोग्राफी में यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा ये आपको आना चाहिए सीनियर असिस्टेंट के लिए भी ट्वेल्थ पास कैंडिडेट हैं और डिजायरबल में बैचलर डिग्री है जूनियर असिस्टेंट के लिए भी ट्वेल्थ पास रिक्वायरमेंट है लेव अटेंडेंट अटेंडेंट के के लिए भी 12th के लिए भी भी एंड ऑफिस पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सो so इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट बेस्ड होगा एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देखेंगे जनरल कैंडिडेट के लिए पोस्ट <coughs> के अकॉर्डिंगली टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर एस असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सीनियर टेक्नीशियन टेक्नीशियन सुपरिटेंडेंट

ओके okay, सो so ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है अगर आप चाहें तो इसकी ऑफिसर साइट आप चेक कर सकते हैं या लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वहाँ से भी आप इसको विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट है सो so आप एक बार अप्लाई करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा थैंक यू